हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ गोवा ट्रिप के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जो है मैंने गोवा का ट्रिप कंप्लीट किया है, अपना 3 nights और 4 days का ट्रिप था मेरा। तो वो जो है मेरा कुछ बहुत टाइम से प्लान ट्रिप नहीं था, वो अचानक हो गया ट्रिप। तो उसको मैंने बहुत ही जस्ट 2 दिन के अंदर जो है वो पूरा प्लान किया था। तो वही जो है मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आज जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उस वीडियो में, बहुत ही अच्छे से कम टाइम में और एक परफेक्ट ट्रिप गोवा के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं और आपका जो भी बजट है उसमें। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है बजट की। तो आपका जो बजट होगा उस हिसाब से जो है आप अपना गोवा का ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना बजट देख लो और उस हिसाब से जो है आपको फिर जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपको इम्प्लीमेंट करनी है उस बजट के हिसाब से। तो सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी आने जाने का जो है वो। तो आने जाने के लिए वहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप जो है फ्लाइट लेके जा सकते हो गोवा, या तो फिर बाय ट्रेन जा सकते हो और या तो फिर बाय बस। तो मैं जो है वो बाय बस गया था और बसेस भी जो है सर्विसेज बहुत सारी आपको मिल जाएगी। अगर आप रेड बस पे जाके सर्च करते हो, रेड बस जो है वो एक ऐप है, मोबाइल और वेबसाइट भी है, आपको पता होगा अगर। तो वहां से जाके आप अगर सर्च करते हो तो किसी भी सिटी से जो है आपको गोवा के लिए बहुत सारी जो भी बसेस अवेलेबल रहेगी वो सारी वहां पे आपको दिख जाएगी। तो बसेस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो ले जाके आपको छोड़ती है मापुसा में और वहां से आपको जस्ट 8 to 10 kilometers है। तो बस सबसे बेस्ट ऑप्शन है आई थिंक अगर आप मुंबई या पुणे वगैरह में रहते हो। तो पुणे से मैंने जो है नाइट में अपना बस लिया था 12 बजे के आसपास और सुबह जो है 8 बजे मैं उठते ही वहां पे गोवा पहुंच गया था। और बस के बाद में जो है वहां से आप मापुसा जो है वो एक एरिया है, कलंगुट, कैंडोलिम और अंजुना वगैरह जो बीचेस है, जो एरियाज है, उनके सबसे नियरेस्ट जो है बस स्टॉप वो है मापुसा। तो मापुसा टैक्सी स्टैंड पे आपको जो है बसेस ले जाके छोड़ती है और वहां से बहुत इजीली आपको ऑटो या टैक्सी जो भी है दोनों मिल जाता है। और उनसे जो है आप 200 or 300 ऑटो में अगर आप जाते हो तो 200 में वो लोग आपको अपने होटल तक ड्रॉप कर देते हैं और अगर टैक्सी लेते हो तो टैक्सी वाले जो है 300 में आपको ड्रॉप कर देते हैं वहां से। तो ये बहुत ही इजी आने जाने का हो गया। और बसेज का जो है वो फेयर्स आप चेक कर सकते हो रेड बस पे। बाकी ट्रेन की जो है वो अवेलेबिलिटी देख सकते हो आप, अगर आपके नियर बाय जो है रेलवे स्टेशन है और वहां पे भी अगर आप जहां पे स्टे करना चाहते हो उसके आसपास के एरिया में अगर आप देखते हो वहां पे अगर अवेलेबल हो जाती है तो ट्रेन से भी आप जो है जा सकते हो। और बाय फ्लाइट अगर आप जाते हो तो वहां गोवा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है ओल्ड गोवा में और वहां से काफी डिस्टेंस आपको पड़ जाता है आप अगर कलंगुट, कैंडोलिम या फिर अंजुना में स्टे करना चाहते हो तो। अभी दूसरा और सबसे मेन जो वहां का है वो ये है कि आपका स्टे, तो आप स्टे कहां करोगे। तो वो सबसे पहले जो है डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपका जो बजट है उस हिसाब से आप जो है स्टे अपना वहां पे डिसाइड कर सकते हो। और अगर आप 3-star या 4-star किसी भी होटल में स्टे करना चाहते हो, जो कि मैंने किया था एक 3-star होटल में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मेरे को मिला है इंटरनेट पे, काफी मैंने 2 दिन में सर्च करके फाइनली मैंने जो है मेक माई ट्रिप से जो है अपना होटल बुक किया था। और MMT ने जो मेरे को डील दी थी वो किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं थी और कोई भी वेबसाइट जो है वैसे डील मेरे को प्रोवाइड नहीं करवा सकता था। तो अगर आप वहां जाने का सोच रहे हो, गोवा के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो और आप एक होटल ढूंढ रहे हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है MMT। तो मेक माई ट्रिप पे आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी और चीप प्राइस में जो है आपको होटल्स वहां पे मिल जाएगी बहुत ही इजीली। और मैं अभी आपको लाइव स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कि होटल जो है कैसे आपको सर्च करना है और क्या करना है। तो MMT इज द बेस्ट ऑप्शन गाइस, ट्रस्ट मी, मैंने यूज करके देखा है और मैंने बाकी सब पे भी रिसर्च किया। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ MMT आपको बोल रहा हूँ या फिर मेरे को MMT ने स्पॉन्सर किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सारी वेबसाइट्स खुद जो है अपना रिसर्च करके देख सकते हो, बहुत सारी होटल बुकिंग की जो है वेबसाइट्स है वो अवेलेबल है, आप ऑनलाइन चेक करोगे तो। तो मैं भी पहले जो है 2-3 दूसरी वेबसाइट पे चेक कर रहा था और उसके बाद में अचानक से मेरे को माइंड में क्लिक हुआ MMT के। अगर आप देखते हो तो टीवी पे एड्स वगैरह भी आ रहे हैं आजकल और काफी टाइम से आ रहे हैं। तो फिर मैंने जो है MMT पे देखा और उस पर जो है मेरे को बहुत ही बेस्ट डील मिली जो कि दूसरी किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिल रही थी। मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है मैंने MMT से वो होटल बुक किया था। और दूसरी चीज़ ये है कि होटल जो आपको MMT भी जो आपको प्लान दिखाता है और जो कुछ भी आपको होटल के फोटोज वगैरह दिखाते हैं वो सब बिल्कुल जेन्युइन था। और वहाँ पे जाके भी मैंने देखा तो सब कुछ एग्जैक्टली मैच हुआ, जो रूम्स के फोटोज वहाँ पे थे, जो रूम का बेड जो दिखाया गया था वहाँ पे, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा MMT की वेबसाइट पे मेरे को देखने को मिला। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या जो है MMT से आप बुक कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ MMT पे, मेक माई ट्रिप, ये वेबसाइट है makemytrip.com। इस पे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा होटल्स का, यहाँ पे आप जो है होटल्स पे क्लिक करके बहुत ही इजीली जो है अपना होटल बुक कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गोवा इंडिया मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 2 अक्टूबर की जगह 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, ठीक है। तो 6 से 10 जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो 1 room 2 guests,
तो आपको जो है पर रूम 2 गेस्ट के हिसाब से जो आपको मिल जाते हैं, तो आप जितने भी गेस्ट हो वो मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो कर सकते हो। और 3 गेस्ट के लिए भी जो है कई सारे होटल्स वो अलाउ करते हो, तो वो आप यहाँ पे करके देख सकते हो बहुत इजीली, 2 की जगह 3 करके आप देख सकते हो। तो आपको 3 गेस्ट जो रूम सूटेबल रहेगा वो भी आपको दिखा देगा ये। उसके बाद में आप जैसे ही सर्च पे जाते हो, तो सर्च करने के बाद में आपको किस एरिया में होटल चाहिए और कैसा होटल चाहिए वो सब आप यहाँ से बहुत ही इजीली जो है शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। जैसे कि लोकेशन जो है बेस्ट गोवा में स्टे करने के लिए वो है नॉर्थ गोवा में कलंगुट, बागा बीच और कैंडोलियम, ये तीनों जो बीचेस है बहुत ही अच्छे और सबसे बेस्ट बीचेस जो है आप गोवा के कह सकते हो। और इन्हीं के आसपास में जो है आपको होटल्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कैंडोलियम, कलंगुट एंड बागा जो है सेलेक्ट किया है। उसके बाद में स्टार कैटेगरी जो है, मेरे को अगर चाहिए 3 स्टार होटल जो कि मैंने बुक किया था, तो यहाँ पे 3 स्टार आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यूज़र रेटिंग्स, जो यूज़र्स ने रिव्यू दिए है उस होटल को और उसके हिसाब से जो है वो कहाँ पे रेट रेट करता है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 4 स्टार रेटिंग। तो अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे सारी होटल्स आ गई है यहाँ पे, तो इसमें वो भी आ जाएगी जो कि मैंने बुक की थी। तो ये थी गाइस वो होटल जो कि मैंने बुक की थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, ये आप जो है दूसरी वेबसाइट पे सब पे कंपेयर करके देख सकते हो। इस प्राइस में जो है गाइस आपको होटल कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आपके पैसे वगैरह जो भी यहाँ पे दिखा रहा है वही लेगा, इसमें कुछ भी फ्रॉड नहीं है और बिल्कुल भी घबराने वाली जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो है इसमें एक चीज़ ये होती है सिर्फ, उसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है बुकिंग करते टाइम, कि आपको जो अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि अभी मैंने 6 to 10 अक्टूबर के लिए जो है 5 दिन के लिए बुक करने का ट्राई किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंक सिग्नेचर करके मैंने होटल बुक किया था, ये रहा होटल, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे जब तक ये लोड होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये रहा मेरा होटल जो कि मैंने बुक किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रिप कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसको ओपन करके नहीं दिखा सकता। यू कैन नॉट मॉडिफाई एज दिस ट्रिप इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड। तो मेरा जो ट्रिप था वो 26 सेप्टेम्बर से लेकर जो 29 सेप्टेम्बर तक था, और मेरे को जो चार्जेस हुए थे वो यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल अमाउंट ओनली 7,245 रुपीज़। और उसके अलावा जो थे उसमें भी मेरे को ये पूरा पे नहीं करना पड़ा था, उसमें माय वॉलेट जो कि मेरे को रेफरेंस के थ्रू जो है फ्री में कुछ पॉइंट्स मिले थे, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि आपको आपको भी जो है वो कैसे मिल सकते हैं। तो ये मेरे जो है माय वॉलेट से वो हुआ था, और ये जो है मैंने पेमेंट किया था एक्चुअली 6,285, और मेरे को जो है कूपन डिस्काउंट मिला था वो था 4,095 रुपीज़। तो आपको बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट जो है ये मेक माई ट्रिप दे देता है। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बुक, ये जैसे कि ये होटल अभी मैंने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे ये होटल का पूरा आपको जो है डिटेल्स वो यहाँ पे दिखा देगा। और इसमें गाइज ये जो फोटोज आपको रूम्स के दिखाएगा मेक माई ट्रिप, वो सेम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और होटल के भी ये जो फोटोज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सेम एग्जैक्टली फोटोज़ और होटल जो है आपको ऐसा ही मिलेगा। वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिल जाएगा कि होटल जो है वो कैसा था, जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा था या नहीं। उसके बाद में यहाँ से आप जो है अपना रूम सेलेक्ट कर सकते हो प्राइस और ब्रेकफास्ट वगैरह के हिसाब से। और ब्रेकफास्ट के साथ में जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है 2,185। तो मैंने जो है ब्रेकफास्ट के साथ लिया था, और इस होटल में गाइस ब्रेकफास्ट जो है वो ऑसम है, ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था इस होटल का, और बफेट ब्रेकफास्ट था, आप अनलिमिटेड जितना खाना चाहते हो खा सकते थे वहाँ पे। ये तो ये जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो बुक नाउ पे ब्रेकफास्ट के साथ में, तो आपको ये ले जाएगा अपने नेक्स्ट पेज पे, और वहाँ पे जो भी आपका डिटेल जो है वो आपको सब यहाँ पे दिखा देगा। और इसके अलावा जो है आपको 1 रुपीज़ भी जो है कहीं पे भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है क्योंकि मैंने जो है करके देखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स, आपका 14,800 टोटल अमाउंट हो रहा है। उसके बाद में आपकी प्राइस जो है वो 14,800, सर्विस चार्ज जो है ये था यहाँ पे, फिर आपको जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही कूपन जो है जो भी बेस्ट उस टाइम अवेलेबल रहेगा वो आपको अवेलेबल करवा देता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6,000 का कूपन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। और वॉलेट मनी, जो वॉलेट में मेरे पैसे अभी आपको यहाँ पे ऊपर दिखा रहे होंगे, पहले आपने देखा होगा अगर नोटिस किया है तो वो जो है वॉलेट में से 1,000 रुपीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, और टोटली अभी जो है ओनली 8,738 रुपीज़ में ये डील जो है मेरे को मिल रही है, 14,800 की डील। तो आपको सिर्फ वहाँ पे ये जो है पेमेंट आपको अभी पे करना है ये होटल बुक करने के लिए 8,738। और उसके अलावा जो है यहाँ पे एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियरली जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ नोट इंडियन रुपीज़ 2,664 विच इज़ GST इज़ एक्सक्लूडेड एंड डायरेक्टली पेबल एट दी होटल। तो ये जो अमाउंट है ये आपको डायरेक्टली होटल में पे करना है, और ये जो है वो GST के टैक्सेस है,
तो आपको यहाँ पे टोटली 8,738 प्लस 2,664, इन दोनों को प्लस करने पे जो भी आपका अमाउंट बनता है वो है आपका टोटली होटल, और जिसमें कि आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। तो इसके अलावा गाइज एक रुपीज़ भी आपको कहीं पे भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो डिटेल्स है मैंने आपको बता दी है, और रेफर करने का जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ही एक URL है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी करके आप लोगों को दे देता हूँ। तो ये URL पे क्लिक करके आप लोग जो है डायरेक्टली इसकी जो ऐप है, मोबाइल ऐप या फिर जो भी आपका एंड्रॉयड और iOS डिवाइस है, वो ऐप वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ही इजीली। और उस ऐप को इंस्टॉल करते ही, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि 2,000 रुपीज़ जो है इंस्टॉल करते ही आपको मेक माई ट्रिप की ऐप में जो है मिल जाएंगे। तो वो 2,000 रुपीज़ अगर आपको अपनी फर्स्ट ट्रिप के लिए यूज़ करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो मैंने लिंक दिया है उसके थ्रू ऐप डाउनलोड कर लो और आपको 2,000 जो है वो मिल जाएंगे। पर सबसे अच्छी बात मेरे को एक जो है वो ये नहीं लगी है इसके बारे में कि वो 2,000 रुपीज़ जो आपको मिलते हैं और उसके थ्रू मेरे को भी जो ये 1,500 समथिंग रुपीज़ मिलेंगे कुछ, तो वो जो है आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलते, एक महीना या फिर 1.5-2 महीने के लिए ही मिलता है। तो उस टाइम में अगर आपने वो रिडीम कर लिया या यूज़ कर लिया तब तक ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो अपने आप आपके अकाउंट से जो है हट जाएंगे, उसके बाद में आप जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये डिस्काउंट चाहिए जो भी आपको 2,000 रुपीज़ है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस लिंक के थ्रू जाके वहाँ से ले सकते हो। उसके अलावा होटल की जो है मेन जो भी इन्फॉर्मेशन थी मेन, वो मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी तीसरा ऑप्शन जाता है वो आता है आपका खाने का, फूड। तो फूड जो है वहाँ पे गोवा में आप अगर जा रहे हो और आप अगर गुजरात या राजस्थान वगैरह से बिलोंग करते हो मेरी तरह, तो आपको जो है वहाँ पे एक तो तवा रोटी जो होती है अपनी वो बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे मिलना, तवा रोटी बहुत ही मुश्किल से मिलती है, मेरे को मिली नहीं वहाँ पे। और बाकी जो है फूड की प्राइस जो है वो ठीक ठाक है, आप मतलब वो आपको जो है खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा वहाँ पे जाने के बाद में, क्योंकि होटल्स आप जिस कैटेगरी के रेस्टोरेंट में जा रहे हो और जिस टाइप के रेस्टोरेंट में जा रहे हो उस हिसाब से जो है वहाँ पे प्राइसेस डिफरेंट डिफरेंट वेरी करती है, और मोस्टली आपको जो है तंदूरी ही खानी पड़ेगी जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और एक सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये रहेगा कि आप अगर अपना ब्रेकफास्ट जो है वो होटल के पैकेज के साथ में इंक्लूड करवा लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सुबह सुबह अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट ले लेते हो तो सिर्फ आपको डिनर करने की जरूरत पड़ेगी, दोपहर में जो है आप कुछ भी हल्का फुल्का खा के जो है इजीली अपना काम चला सकते हो। फूड के बाद में जो बड़ी चीज आती है वो एक बहुत ही मेन चीज है कि आप वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट, तो लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे वैसे आपको टैक्सीज मिल जाएगी, लोकल बसेज जो होती है अपनी सिटी ट्रेवलिंग की वो बसेज आपको वहाँ पे मिल जाएगी गवर्नमेंट की जो रहती है। और उसके अलावा सबसे बेस्ट ऑप्शन आपने सुन रखा होगा कि वहाँ पे जो है 2-व्हीलर्स और 4-व्हीलर्स जो है रेंट पे मिल जाते हैं। तो अभी तक जैसे कि आपने मेरे पहले वाले अगर वीडियोस देखे होंगे तो मैं जूम कार को काफ़ी जो है अपना यूज़ करता रहता हूँ, तो उस टाइप के जो है वहाँ पे काफ़ी जो लोकल रेंटल्स है वो वहाँ पे अवेलेबल है, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब इजी सा जो है उनका सिस्टम है। आप वहाँ पे बहुत ही इजीली जो है कार, बाइक, स्कूटर जो भी आपको हायर करना है बहुत ईजीली कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि वहाँ की रोड्स जो है वो बहुत ही नैरो है, मैं फर्स्ट टाइम गया था मेरे को पता नहीं था कि मतलब इतनी नैरो रोड्स है वहाँ पे, सारी मोस्टली आपको जो है सिंगल लेन रोड मिलेगी वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर आप 4-व्हीलर लेके ड्राइव करना चाहते हो तो ड्राइविंग स्किल्स आपकी जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है वहाँ पे अगर आप ड्राइव करना चाहते हो। तो अदरवाइज 2-व्हीलर से जो है आप बहुत ही ईजीली जो है एक्सेस कर सकते हो, पूरा एक्सप्लोर जो है वो बहुत ही अच्छे से कर सकते हो 2-व्हीलर पर। और 2-व्हीलर की प्राइसेस भी है वो भी बहुत ही सस्ती है, और बहुत ही चीप प्राइस में जो है आपको लोकल प्रोवाइडर्स जो है वहाँ के वहाँ से आपको 2-व्हीलर मिल जाता है बहुत ईजीली। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको सिर्फ उनको जितने भी दिन के लिए आप जो है बुक कर रहे हो 2-व्हीलर या 4-व्हीलर उसका एडवांस पेमेंट आपको करना होता है। जैसे कि आप 2 दिन के लिए बुक कर रहे हो और पर डे उसका 200 रुपीज़ जो है चार्ज है अगर एक्टिवा का, तो आपको जो है 400 एडवांस में देने हैं। और आपका एक ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड जो कि लाइसेंस के अलावा जो भी आपका दूसरा रहेगा कोई भी आईडी प्रूफ, वो आईडी प्रूफ आपको उनको देना है ओरिजिनल, वो आप अपने पास में रखेंगे उसको अपनी सेफ्टी के लिए। उसके अलावा आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह कुछ भी नहीं देना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को कि बहुत ही ईजिली जो है आपको वहाँ पे व्हीकल मिल जाता है ऐसे। और 4-व्हीलर का भी वही सेम सीन है, अगर आप 1,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कोई भी कार हायर कर रहे हो तो 2 या 3 दिन का जो भी आपका रहेगा वो आपको एडवांस में पे करना है 2-3,000, और उसी के साथ में आपको एक अपना आईडी प्रूफ जो है वो देना है उनको। और अगर आप सोच रहे हो कि मतलब वो मिलेगा कहाँ से, तो वैसे तो आप जो है अगर किसी होटल में स्टे कर रहे हो तो होटल से जो है आपको 3-4 जो है आपको वहाँ होटल से जो है आपको 3-4 प्रोवाइडर्स जो भी रहेंगे वहाँ पे रेंटल
बाइक रेंटल या कार रेंटल, उनके नंबर जो है होटल से आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। और अगर होटल से प्रोवाइड नहीं करवा रहे वो लोग, तो आप जो है वहाँ की रोड्स पे अगर जाओगे और एक्सप्लोर करने, आप मेरे नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस है जो कि मैंने वहाँ पे जो कुछ भी मैंने एक्सप्लोर किया उनके वीडियोस में डालने वाला हूँ नेक्स्ट, तो उन वीडियोस में आप देख पाओगे कि रोड पे बहुत सारे आपको बोर्ड्स लगे हुए मिल जाएंगे कि बाइक फॉर रेंट, कार फॉर रेंट, तो वहाँ पे बहुत ही ईजिली हर भी आपको रोड पे ही जो है मिल जाएंगे आपको। तो गाइस मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि मैंने जो है बस से यहाँ से ट्रैवल किया था पुणे से, और बस में जो है ऑलमोस्ट आपको वॉल्वो जो है वो 700 to 800 के बीच में मिल जाती है, तो मेरा जाने का भी वही था और आने का भी जो है वही था सेम, तो 1500 to 1600 जो है अराउंड उसका पड़ा था। और पर हेड जो पूरी ट्रिप रही थी वो पर हेड हम लोग जो भी थे 3-4 लोग, पर हेड 10,000 के हिसाब से हमको पड़ी थी। 3 nights and 4 days का जो है हमने पैकेज लिया था पूरा। तो हमारा होटल जो था गाइस वो था कलंगुट एरिया में, कलंगुट, कैंडोलिम और बागा, ये तीनों जो है एक ही रो में, एक ही रोड पे जो है तीनों बीचेस है, और इन पे ही जो है आपको सबसे ज्यादा रश और सबसे ज्यादा नियर टू बीच जो है वो सारे यही एरिया है। तो यहाँ पे जो है आपको कई सारे होटल ऐसे भी मिल जाएंगे जो की जो बीचेस है कलंगुट, कैंडोलिम और बागा, उनसे जो है सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जो है होटल्स अवेलेबल है। और उसके अलावा जो है कार्स और बाइक जो है, 2 दिन हमने कार बाइक ली थी और 2 दिन के लिए कार, तो कार जो है हमको 1000 rupees पर डे के हिसाब से। तो गाइस ये था हमारा ट्रिप का जो है पूरा ओवरव्यू, और इसके अलावा आपको अगर कोई भी क्वेरी है अगर आपकी, तो नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, मैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा उसका। और इसके अलावा जो है हमने जो कौन कौन सी प्लेसेस जो है वो हमने एक्सप्लोर की है और क्या क्या जो है हमने गोवा में देखा है और किस तरह से हमने क्या कुछ फेस किया है, वो सब मैं जो है अपने अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ फॉर फर्दर वीडियोज एंड अपडेट्स। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे सारे अगले वीडियोज देखने के लिए, और अगले वीडियोज में जो है मैं डिटेल में और भी जो कुछ भी रहेगा वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपकी जो क्वेरीज रहेगी नीचे कमेंट बॉक्स में, जो भी आप क्वेरी मेरे से पूछोगे तो वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, और उसमें और कुछ ज़्यादा बताने लायक रहेगा तो वो भी मैं अपने जो है नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उसके लिए जो है चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करो और जुड़ जाओ मेरे साथ में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, इस वीडियो को थम्स अप जरूर देना। थैंक यू सो मच अगेन, जय हिंद, वंदे मातरम।